तो एक चैनल है बिहारी राजा करके, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। स्ट्रेंज 1 मिलियन करके, 1M करके है, 1,27,000 सब्सक्राइबर हैं। फैक्ट हल्क फ्रेंड्स नाम का है, 1,03,000 सब्सक्राइबर हैं। पीसी ब्लॉक्स 1M नाम का है, 1,13,000 सब्सक्राइबर। फैक्ट बॉय देव 1,59,000 सब्सक्राइबर। एंड रेड पीकॉक 99,900 सब्सक्राइबर्स एंड हो गए होंगे, मतलब 20 के आसपास, 18-20 के पास, जो कि इस वाले फ़ोन में लॉगिन है। बाकी और फोन्स में रहते हैं, कुछ लैपटॉप में रहते हैं, तो मतलब कि चैनल्स हैं बहुत सारे। रहे थे 100 मिलियन। अगर वो चैनल मोनेटाइज हो जाता तो 48 घंटे में लगभग 70-80 हज़ार रुपये बनते, डेली के जो है 35-35 हज़ार रुपये बनते अगर वो चैनल मोनेटाइज हो जाता, लेकिन वो ग्रीन स्क्रीन था। तो थोड़ा सा निकेश भाई हमें ये बताइए, काफ़ी ऑडियंस हमारी अभी कन्फ्यूजन में होगी कि क्या हम शॉर्ट्स के अंदर अगर आ हैं तो मतलब क्या इसके अंदर फ्यूचर है और अर्निंग कितनी हो जाती है, ये एक हमारा मतलब मेन पॉइंट हो जाता है। हमें थोड़ा बताइए कि अर्निंग कितनी होती है, क्या हम शॉर्ट्स बनाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिकेश भाई। दोस्तों आज हम इनसे काफी सारी बातें करने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया है। अगर आप दोस्तों एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, शॉर्ट्स से रिलेटेड आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन आते होंगे, जैसे कि कितनी अर्निंग होती है, शॉर्ट्स आखिर वायरल कैसे होता है, और हमें शॉर्ट्स पर काम करना चाहिए कि नहीं, और शॉर्ट्स में क्या फ्यूचर है हमारा, और कितने टाइम में शॉर्ट चैनल ग्रो हो जाते हैं, और भी काफी सारी रिलेटेड जो जानकारी है शॉर्ट्स से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपको जो है मिलने वाली है। ठीक है ना, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेश भाई आपका जो हमारी वीडियो में आने के लिए, अपना जो कीमती समय हमें देने के लिए। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और देखिए दोस्तों इनके पास एक दो चैनल नहीं है, इनके पास इतने सारे चैनल है कि आप गिनते गिनते हैरान हो जाएंगे, तो वो सारी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में अनिकेश भाई थोड़ा ऑडियंस को बताइए। तो कोची भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर दूसरी बार आने का मौका दिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि मैं आपके सब्सक्राइबर्स को शॉर्ट वायरल करने के ट्रिक्स बता पाऊंगा, एंड शॉर्ट्स के थ्रू अपन अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड देखिए गाइस, मेरा नाम अंकेश धाकड़ है एंड मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, एंड मे भी आप मुझे जानते हो, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर अंकेश धाकड़ नाम का, जिस पर कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि अपने कोची भाई बनाते हैं। तो आज के वीडियो में जो है कोची भाई हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक मेरे पास कितने चैनल हैं, कितनी की अर्निंग हो जाती है, कितने व्यूज पर कितना डॉलर बन जाता है, एंड शॉर्ट में कुछ फ्यूचर है या नहीं है, एंड वायरल वगैरह कैसे होते हैं, एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करें, कितने सेकंड के बनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए, एंड आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अनिकेश भाई ये बताइए कि अभी के टाइम में आप कितने चैनल के, आपके पास कितने चैनल हैं अभी के टाइम में। देखो कोची भाई, मेरे पास जो YouTube चैनल्स हैं वो मेरे पास दो तरीके से आते हैं। पहला तरीका है कि मैं खुद उन पर 0 सब्सक्राइबर्स से काम करता हूं एंड उनको जो है ग्रो करता हूं, ठीक है। और दूसरे तरीके के वो चैनल है जिनको मैं खरीदता हूं, मतलब कि आज तक मैं 400 से भी प्लस यूट्यूब चैनल खरीद चुका हूं, मतलब कि जिन पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर रहते हैं वो चैनल मैं खरीद लेता हूँ। तो कुछ चैनल्स मेरे पास खरीदे हुए हैं एंड कुछ चैनल मैंने और मेरी टीम ने खुद से ग्रो किए हैं, जिन पर कि जैसे कोई भी शॉर्ट चैनल ग्रो होता है उस पर इजीली जो है 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं एंड 1-2 लाख तो ईजिली हो ही जाते हैं। तो अभी अपने पास बहुत सारे चैनल्स हैं एंड मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे को शॉर्ट के बारे में सारा कुछ पता है, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस बहुत है कि शॉर्ट वगैरह वायरल वगैरह कैसे होती हैं। एंड आगे चल के उन चैनल्स के मैं आपको नाम भी बताऊंगा कौन कौन से चैनल्स हैं अपने पास, ठीक है। तो देखिए अनिकेश भाई, हमें ये पहली बात जो आपने बताई है वो तो समझ में आती है कि आप जो है YouTube शॉर्ट्स पर काम करते हैं, चैनल को नया ओपन किया, आपकी टीम है, आपके पास सारा कुछ नॉलेज है, उसको लगाकर आप जो है चैनल को ग्रो करते हैं। लेकिन जो दूसरी वाली बात है कि कैसे कैसे आप जो चैनल है उसको बाई करते हैं, मतलब ये खरीदना बेचना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें क्लियरली बताइए। क्या आप चैनल को खरीदते हैं, क्या है ये? देखो मैं क्लियर ये बोलना चाहता हूँ, जैसे किसी के चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, अब उसने कॉपीराइट स्ट्राइक आने के डर की वजह से वीडियोस को डिलीट कर दिया तो उसका चैनल हो जाएगा डाउन, या फिर बार्निंग स्ट्राइक आ गई तो भी डाउन हो सकता है, या हो सकता है कि चैनल पर रियूज कंटेंट आ गया तो वो चैनल किसी को लगता है कि काम का नहीं है अगर उनको बेचना है, या फिर जैसे किसी को जरूरत है पैसे की, जैसे किसी को अर्जेंट पैसे का जरूरत है एंड पैसा कहीं और से अरेंज नहीं हो पा रहा है तो उस चक्कर में उन्हें चैनल बेचना है, तो उन बंदों से हम जो है चैनल खरीद लेते हैं। एंड ज़्यादातर चैनल्स मैं जो खरीदता हूँ वो उन लोगों से खरीदता हूँ जो प्रॉपर चैनल बनाते ही बेचने के लिए हैं, मतलब मेरे पास 20 से 30 ऐसे बंदे हैं जो कि
चैनल्स बनाते हैं, 1-2 लाख सब्सक्राइबर करते हैं, उनको मोनेटाइज करते हैं और मुझे को जो है बेच देते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे खरीद लेता हूँ, वो महीने में जो है बहुत सारे, मैं यहाँ नाम रिवील कर देता बट रिवील करना सही नहीं है, तो वो लोग जो है एक एक महीने में 2-2, 3-3 चैनल जो है ग्रो कर लेते हैं और मेरे को बेच देते हैं, तो उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया एंड मेरा तो काम ही है खरीदना, खरीद के उन पर काम करना, ठीक है, सीरियल वगैरह डालना, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मैं करता रहता हूँ। एंड अगर आपको गाइस देखना है तो आगे चल के मैं इसी वीडियो में अपने कुछ चैनल्स के नाम बताऊंगा, उन पर हम कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद काम स्टार्ट करेंगे, तो आप उस काम को भी देख सकते हो उन चैनल्स पर। एंड चैनल खरीदने का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊँ तो कोची भाई आप मेरा जो है बैनर लगा देंगे वीडियो में, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब चैनल बेचने के लिए मैसेज कर सकती हैं, आप चैनल का लिंक साथ में दे देना, आगे क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर बता देता हूँ कि पेमेंट प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए गाइस, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, अंकेश दगड़ पर जाकर कम्युनिटी में देखना एंड इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे हाईलाइट में देखना, मैं जो है डेली यूट्यूब चैनल्स खरीदता हूँ एंड डेली पेमेंट करता हूँ, एंड कुछ लोग जो है मेरे से जलते हैं, तो कोची भाई की वीडियो में भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि अंकेश दगड़ जो है चैनल लेके पैसा नहीं देता है, तो वो लोग हैं जो कि मेरे कॉम्पिटिटर हैं और जो लोग हैं जो चैनल खरीदने का काम करते हैं, जो मेरे से जलते हैं, वो लोग जो है आपको मेरे बारे में गलत ही बोलेंगे, बट आपको मेरे बारे में अगर रियल में जानना है तो आप कोची भाई से जान सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर कहीं भी मेरे बारे में देख सकते हैं कि अंकेश जो है चैनल लेने के बाद में पैसा देता है या नहीं देता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अनिकेश भाई ने बोला है कि ये चैनल्स को जो है बाई करते हैं और आप इनको जो चैनल है अपना सेल कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे कि चैनल डाउन हो गया आप उसको बेचना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बैनर लगा दूंगा, इनसे ये कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जो है सारी कुछ बात कर सकते हैं, चैनल का लिंक वगैरह भेज करके कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सारी बातें इनसे आप करके और आप इनके जो चैनल है अपना उसको आप इनको सेल कर सकते हैं। और जैसा कि भाई ने बोला है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब ये फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसा मैं हूँ जैसे ही ये अनकेश भाई हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप इनको जो है बेधड़क जो चैनल है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो भाई आपसे हमें थोड़ा सा जानना है, हमारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो आज के इस टाइम में थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर शॉर्ट्स को हम वायरल कैसे करें, हमें आखिर करना क्या होगा, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपके पास कितने चैनल हैं अभी के टाइम में जो ग्रो हो रखे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को क्लियर करिए अभी के टाइम में। देखो अभी मेरे इस वाले फ़ोन में जो चैनल्स लॉग इन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक से नाम लेके, ठीक है, एंड बाकी चैनल्स जो है मोबाइल में नहीं रहते हैं क्योंकि मोबाइल खो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो एक चैनल है बिहारी राजा करके, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, स्ट्रेंज 1 मिलियन करके, 1M करके है, 1,27,000 सब्सक्राइबर हैं, एंड एक जो है फैक्ट अल्क प्रिंस नाम का है, 1,03,000 सब्सक्राइबर हैं, पीसी ब्लॉक्स 1M नाम का है, 1,13,000 सब्सक्राइबर, फैक्ट बॉय देव 1,59,000 सब्सक्राइबर, मिनी एक्सपर्ट शक्ति 7 के सब्सक्राइबर, कंट्री के फैक्ट्स 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, मिस्टर गोलू टैक 9 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, एंड रितेश बॉक्स 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, NK स्टूडियो 1,31,000 सब्सक्राइबर, एंड प्रिया लव स्टोरी 7,26,000 सब्सक्राइबर्स, एंड लव ड्रामा 2,52,000 सब्सक्राइबर्स, एंड और मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो सुरेंद्र ब्लॉक्स 1,28,000 सब्सक्राइबर्स, और ब्यूटी प्योर इस पर हैं 1,42,000 सब्सक्राइबर्स, एंड मिस्टर विवेक 87,000 सब्सक्राइबर्स, रियो 1,43,000 सब्सक्राइबर्स, पीयूष के पैक्ट 1,44,000 सब्सक्राइबर्स, एंड रेड पीकॉक 99,900 सब्सक्राइबर्स, एंड हो गए होंगे मतलब 20 के आसपास, 18-20 के पास जो कि इस वाले फ़ोन में लॉगिन है, बाकी और फोन्स में रहते हैं, कुछ लैपटॉप में रहते हैं, तो मतलब कि चैनल्स हैं बहुत सारे। तो कोची भाई ये सारी चीज़ें तो बहुत हो गई, आप अपन ऑडियंस के काम की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट जो है वायरल कैसे करें, अभी के टाइम पर किस टाइप के शॉर्ट्स बनाएं ताकि वो वायरल हों, किस टाइप के चैनल ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, कितने सेकंड के शॉर्ट बनाएं। हाँ तो यही चीज़ क्लियर करिए, जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि भाई के पास अभी के टाइम में मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छी जानकारी भी लेके बैठे हैं, तो हमारी ऑडियंस को अनकेश भाई ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि 0 व्यूज़ आना, 100-200 व्यूज़ आना, 1K 2K पर वीडियो रुक जाना, ये आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे दूर होती है, कैसे शॉर्ट चैनल को ग्रो किया जाता है, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को क्लियर करिए ताकि हमारी ऑडियंस भी यहाँ पर जो ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए और चैनल खड़ा कर पाए, और उनको पैसे अगर कमाने तो वो वैसे भी पैसे कमा पाए मोनेटाइज करके, और अपने चैनल को सेल करके भी जो है पैसे कमा पाए, अगर आपको सेल करना चाहें तो, वो आखिर ऑडियंस अपने चैनल को ग्रो करे तो करे कैसे, थोड़ा सा क्लियर बताइए ये चीज़। देखिए कोची भाई अभी के टाइम पर शॉर्ट चैनल को ग्रो करने का एक ही मंत्र है जो कि पहले भी था। देखिए आपके शॉर्ट में
बात यह कि दम होनी चाहिए, मतलब कि ऑडियंस आपके शॉर्ट को देखनी चाहिए। जो ऑडियंस पुरानी है जिनको बहुत सारी चीजें पता है वो भी सुन ले, और जो नए बंदे हैं जो अपने शॉर्ट चैनल को ग्रो करना चाहते हैं वो भी सुन ले। कि देखिए पहली चीज तो आपके शॉर्ट में ऐसा सस्पेंस होना चाहिए कि कोई भी शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा है और उसके सामने अगर आपका शॉर्ट आ गया तो वो आपके शॉर्ट को रोक के देखे। इसके लिए आपको अपने शॉर्ट वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो रुके, या फिर आपकी आवाज में दम होनी चाहिए। अभी के टाइम पर लोगों एआई का वॉइस यूज करते हैं, तो एआई का वॉइस भी आप थोड़ा स्पीड में और थोड़ा प्रोफेशनली यूज करें, ठीक है? तो आपकी आवाज में भी दम होनी चाहिए। एंड देखिए अभी के टाइम पर अगर अपन देखें ना तो फैक्ट कैटेगरी के जो चैनल है वो भी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी कि अभी के टाइम पर ग्रीन स्क्रीन वाले चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। मेरा एक चैनल था पहले, उसका नाम अंकेश दागर शॉर्ट्स था, तो अभी हमने जो है उस पर काम करना स्टार्ट किया, मतलब वही काम जो हम करते हैं, तो नाम मैंने चेंज कर दिया। उस चैनल पर ग्रीन स्क्रीन वाले शॉर्ट्स डाले थे मैंने कोची भाई, उस पर 48 घंटे में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे थे, 100 मिलियन। अगर वो चैनल मोनेटाइज हो जाता तो 48 घंटे में लगभग 70-80 हज़ार रुपये बनते, डेली के जो है 35-35 हज़ार रुपये बनते अगर वो चैनल मोनेटाइज हो जाता। लेकिन वो ग्रीन स्क्रीन था, और ग्रीन स्क्रीन चैनल को मोनेटाइज कैसे किया जाता है, कैसे होते हैं, उसके ऊपर भी कोची भाई ने वीडियो बना रखे हैं। कुछ भी आप उन वीडियोज़ को लगा देना, जिसको देखना होगा वो जाकर देख लेंगे कि ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियोज़ को कैसे मोनेटाइज किया जाता है। बाकी ये फैक्ट है कि अभी के टाइम पर ग्रीन स्क्रीन वाले शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अनिकेश भाई ने बोला है कि शॉर्ट्स वायरल करने का जो मंत्र है वो यही है कि आपको ऑडियंस अटेंशन इंक्रीज करना है, अपनी वीडियो का जो स्वाइप परसेंट है वो कम करना है, व्यूड परसेंट को इंक्रीज करना है, ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिथम में जो है इंप्रेशन जाए और आपकी जो वीडियो वो वायरल हो जाए। मतलब अपनी वीडियो के अंदर सस्पेंस आपको देना पड़ेगा, अच्छा वीडियो आपको क्रिएट करना पड़ेगा और आपका जो शॉर्ट्स है वो 100% वायरल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ना अच्छा टॉपिक भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एआई वॉइस पर वीडियो बना सकते हैं, एआई वॉइस पर वीडियो कैसे बनता है अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल वीडियो आपको बना कर दे दूंगा। बाकी ग्रीन स्क्रीन आप चैनल आइडिया जो है मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा अनिकेश भाई हमें ये बताइए कि अभी के टाइम में आपके पास कितने प्ले बटन है, जो सिल्वर अवार्ड होता है, मतलब यूट्यूब अवार्ड जो होता है। देखिए कोची भाई अभी के टाइम पर मेरे पास मतलब 2 सिल्वर प्ले बटन उधर लगे हुए हैं, 1 सिल्वर पीछे लगा है, 1 गोल्डन पीछे लगा है, एंड 1 सिल्वर प्ले बटन मेरे पास और था, वो मैंने सचिन मौर्य जो हैं सचिन भाई उनको जो है दे दिया, मतलब उन्होंने मुझे पेमेंट भी किया था उसका, तब दिया था तो उनका भी वो रिसीव हो गया था, मैं उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। बाकी जो प्ले बटन्स होते हैं वो मैं ज़्यादा मंगवाता नहीं हूँ, उनको ज़्यादातर मैं सेल कर देता हूँ, जो भी अपने कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनको जो ज़रूरत रहती है। एंड मैं जो है ज़्यादातर चैनल्स खरीदता हूँ तो उनके जो है प्ले बटन्स ओनर्स को ही मिल जाते हैं, तो मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, 3 सिल्वर हैं, 1 गोल्डन है और 1 जो है मेरे भाई के चैनल का आने वाला है, वो जो है 2-4 दिन बाद आ जाएगा लगभग लगभग। चलो अच्छा है, तो ये सुनकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, भाई काफ़ी मेहनत भी करते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी भी लेके बैठे हैं, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना भूल गए हैं तो यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो थोड़ा सा अनिकेश भाई हमें ये बताइए, काफ़ी ऑडियंस हमारी अभी कन्फ्यूजन में होगी कि क्या हम शॉर्ट्स के अंदर अगर आए हैं तो मतलब क्या इसके अंदर फ्यूचर है और अर्निंग कितनी हो जाती है, ये एक हमारा मतलब मेन पॉइंट हो जाता है। हमें थोड़ा बताइए कि अर्निंग कितनी होती है, क्या हम शॉर्ट्स बनाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। देखिए कोची भाई बात यह है कि अगर आपको शॉर्ट से कमाई करनी है तो ये वाली फैक्ट बात है कि जैसे अपना कोई चैनल जो है फैक्ट चैनल शॉर्ट का ग्रो होता है तो वो कुछ दिनों बाद डाउन भी हो जाता है, लेकिन अपने साथ के जो जिन्होंने रोहित राज मोटिवेशन सर के चैनल पर जिन यूट्यूबर्स ने इंटरव्यू दे रखा है या जो पुराने पुराने यूट्यूबर हैं उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उनका जैसे एक चैनल डाउन होता है तो वो दूसरा चैनल ग्रो कर लेते हैं, दूसरा डाउन होता है तीसरा ग्रो कर लेते हैं, तीसरा ग्रो होता है चौथा ग्रो कर लेते हैं, एंड जो चैनल से डाउन होते जाते हैं उनको पीछे से बेचते चलते हैं और आगे से बनाते चलते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, तो इस तरीके से भी अपन जो है मतलब शॉर्ट्स में फ्यूचर है, ठीक है, अगर इस तरीके से करें तो। और अगर दूसरा बात करें तो देखिए ऐसा है कि आपने जो है वो देखे होंगे शॉर्ट्स अभी के टाइम पे बंकू बैक बेंचर वगैरह वाले जो ग्रीन स्क्रीन पे ज़्यादातर लोग बनाते हैं, मैं उनके चैनल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उनके भी 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अभी मैंने उनसे खरीदा था एक चैनल, इंदौर के हैं वो, इंदौर में बनाते हैं, तो उनका भी चैनल था एक, उनसे मैंने खरीदा था, तो वो बोल रहे थे कि ये जो चैनल हम बेच रहे हैं वो जो है हमने ऐसे ही बनाया था, ग्रो हो गया तो हम जो है बेच रहे हैं, बाद में डाउन हो गया था
एंड जो उनका मेन चैनल है जिस पर 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उससे वो जो है हर महीने पेमेंट उठाती हैं। तो देखिए आपको अगर फ्यूचर अपना बनाना है शॉर्ट्स में यूट्यूब पर, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक चैनल ग्रो कर लिया तो आपका फ्यूचर बन गया या फिर एक बार ग्रो हो गया तो फ्यूचर बन गया, ऐसा नहीं है। आपको डेली काम करना पड़ेगा एंड चैनल्स को जो है ऐसा है कि व्यूज आपका आना ही चाहिए, तब जाके अर्निंग होगी और तभी कुछ हो पाएगा। या तो अब वो आप जो है अलग अलग चैनल पर मेहनत कर लो या फिर खुद का फेस कंटेंट बनाकर एक ही चैनल पर इतने सब्सक्राइबर्स कर लो कि आपको जो है और चैनल्स बनाने की जरूरत ही ना पड़े। जैसा कि यहाँ पर भाई ने बोला है तो आपको काफी कुछ दोस्तों सीखने को मिला होगा। जैसा कि भाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि YouTube शॉर्ट्स के अंदर आप जो है लाइफ टाइम आपका चलता रहे, तो शॉर्ट चैनल डाउन भी हो जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है शॉर्ट्स के अंदर आने से पहले। लॉन्ग जो चैनल है वो भी डाउन होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट जो है कभी कभी जीरो पर आ जाता है, कभी उठ जाता है, तो इसका अप डाउन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट्स के अंदर अच्छा खासा फ्यूचर बना सकें एक चैनल बनाकर, ठीक है ना। तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर वीडियो भी डालने पड़ेंगे, व्यूज लेके आने पड़ेंगे, नए नए आइडिया, नया नया चैनल टॉपिक आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा होता है दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर आपका फ्यूचर ऐसा तरीके से हो सकता है। अर्निंग की बात करें, देखिए इतना ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, बहुत ज्यादा व्यूज पर बहुत कम डॉलर मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूं कि आपके अगर 10 लाख व्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना, आपके अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहा है तो आपको कम से कम जो है 10 लाख व्यूज पर $1 बनेगा। ऐसा होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही कम अर्निंग होती है, तो इतना ज्यादा अर्निंग भी नहीं होता है। तो आप शॉर्ट्स के अंदर अगर आते हैं तो देखिए, लेकिन व्यूज भी ज्यादा आता है, उसी हिसाब से व्यूज आता है, तो मतलब आप महीने का अच्छा खासा भी कमा सकते हैं। अगर आपका चैनल काफी तेजी से व्यूज लेके आ रहा है, काफी अच्छे उस पर व्यूज आ रहे हैं, तो आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शॉर्ट्स के अंदर ऐसा ही है कि अप डाउन चलता रहता है, थोड़ा घिचकिचबाजी है, चिकचिकबाजी ज्यादा है शॉर्ट्स के अंदर, ठीक है ना। बाकी आप ये जो भाई ने बोला है कि ग्रीन स्क्रीन चैनल बनाकर अपने चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं और अनिकेश भाई को आप सेल कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन एक ऐसा चैनल आइडिया है जिसके अंदर आप एक ही महीने के अंदर लाखों में मिलियन में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर उसके बाद चैनल को क्रिएट करके और ग्रो करने के बाद अनिकेश भाई को आप उसको सेल कर सकते हैं। और सेल करने का जो डिटेल वगैरह मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप इनसे बात करके अपने चैनल्स को जो है सेल कर सकते हैं, कैसा भी आपका चैनल हो, ठीक है। तो ये चीजें और भी कुछ अगर होता हो भाई अनिकेश भाई, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए अगर कुछ है तो, बाकी कुछ भी नहीं है तो वो भी आप बता दीजिए। देखिए लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आप जो है शॉर्ट्स चैनल, पहले तो जब अगर आप बिल्कुल ही नए हो, शॉर्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो पहले तो आप कोची भाई के वीडियोस देखकर नॉलेज ले लें या फिर मेरे वीडियोस देखकर नॉलेज ले लें, ठीक है। क्योंकि आप जो है किसी भी फील्ड में तभी सक्सेस कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगा, ठीक है। एंड नॉलेज लेने के बाद में आपको जो है काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नॉलेज ले लिया और फिर जो है आप काम ही नहीं कर रहे हो, वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे हो, तो फिर आपको मेहनत करके शॉर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और शॉर्ट्स आपके वीडियोस जो है अच्छे होने चाहिए ताकि लोग बागों को देखने में उन्हें मजा आए, तभी जो है यूट्यूब, जैसे एक एक किसी बंदे ने आपका शॉर्ट देखा उसको उसमें मजा नहीं आया, मतलब उसने वो पूरा नहीं देखा, तो जो है यूट्यूब जो है दूसरे बंदे को उसको नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर यूट्यूब ने जो है 5 लोगों को आपको शॉर्ट दिखाया, ठीक है, एकदम से उन 5 लोगों को पसंद आ गया, तो आगे 25 लोगों को YouTube दिखाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये कि आपके शॉर्ट जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा व्यूज आएगा, बस इतना ही है। सही बात बोली है भाई अनिकेश भाई ने, जितना ज्यादा मजेदार होगा, जितना अच्छा शॉर्ट्स होगा उतना ही आगे चलेगा, YouTube भी आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इसको शेयर करेगा, उसके इंप्रेशन जो बढ़ा के आपके शॉर्ट्स को वायरल कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, आशा करते हैं आपको काफी कुछ सीखने को दोस्तों मिला होगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद, और बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेश भाई आपको मतलब समय देने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतना कुछ जानकारी शेयर करने के लिए। बाकी दोस्तों यही कहूंगा, चैनल वगैरह सेल करना है इनको ही सेल करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। डिटेल वगैरह मैंने पहले ही आपको दिखा दी है और भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, और भी कुछ आपके डाउट्स हैं शॉर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, भाई से पूछ सकते हैं, भाई का इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मैं लगा दूंगा, तो किसी से भी आप जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो यहां पर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करके शॉर्ट्स पर काम करके अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको शॉर्ट्स के अंदर आना है कि नहीं आना है, बाकी आप देख लीजिएगा, सारा जो डिटेल है हमने आपको दे दिया है। और दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया यार इस वीडियो को, दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, एंड बाय बाय।